ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। यदि ऐसा हुआ भी तो उन्हें विधान परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया जाएगा, वह पद पर बने रहेंगे, अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक समय सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया था। पार्टी में टूट के बाद ये याचिकाएं एक दूसरे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों की ओर से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राकपा के शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इन याचिकाओं में कुछ विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने के लिए नार्वेकर को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विश्वस्त कई विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति नाखुशी जताते हुए कहा था कि वह शीर्ष न्यायालय के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह की अयोग्यता याचिकाएं शिंदे गुट ने भी उद्धव के प्रति निष्ठा रखने वाले विधायकों के खिलाफ दायर की है। ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।